नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर प्रीति, लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर झांसी से। आज हम बात करेंगे, अगर किसी पेशेंट को स्पर्म टेस्ट में जीरो स्पर्म्स मिल रहे हैं, तो सबसे पहले अगर हमने नॉर्मल सीमेन टेस्ट किया और उसे हमें ज़ीरो स्पर्म्स मिले हैं, तो हम उसके जो सीमेन है उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे फॉर 15 मिनट्स। फिर जो पीलेट बनेगा उसमें हम वापस उसको स्टडी करेंगे माइक्रोस्कोप में। अगर उसमें भी जीरो एक भी स्पर्म नहीं है, देन वी विल गिव सम मेडिसिन टू द पेशेंट एंड उसका हार्मोनल प्रोफाइल वगैरह कराएंगे, और उसको हम लोग 6 वीक्स के बाद, लगभग 4 to 6 वीक्स के बाद फिर से बुलाएंगे और एक बार फिर से हम उसका सीमेन टेस्ट रिपीट करेंगे। अगर उसको एक भी स्पर्म्स फिर से नहीं मिले हैं पीलेट बनाने के बाद भी, तो हम इसको एजोस्पर्मिया बोलेंगे। तो अगर पेशेंट को एजोस्पर्मिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप घबरा जाएं और आप ये सोचें कि अब आप कभी फादर नहीं बन सकते, अब आपको डोनर स्पर्म ही लेना पड़ेगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट। अगर एजोस्पर्मिया डायग्नोज हो गया है, तो हम देखेंगे पहले कॉज क्या है, वेदर इट इज़ ऑब्स्ट्रक्टिव और इट इज़ नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव है तो हम उसका टीसा कर सकते हैं। टीसा का भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, मैं फिर से बना दूँगी। सो टीसा में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो टेस्टिस होती हैं मेल की, उसमें से निकालते हैं स्पर्म्स और उसके बाद हम उससे इक्सी करते हैं। इक्सी में इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन होते हैं, उसमें हम लोग ओवम के अंदर स्पर्म डालते हैं देखते हुए अंडर माइक्रोस्कोप, और एम्ब्रियो बन जाता है और उसके बाद हम उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो आपका अपना जेनेटिक बेबी होगा इन स्पाइट ऑफ जीरो स्पर्म्स इन द सीमेन पैरामीटर्स। और मेरे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको एजोस्पर्मिया था एंड स्टिल दे हैव कंसीव्ड एंड डिलीवर्ड बेबी, अपना खुद का जेनेटिक बच्चा। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव नहीं है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, कई बार हम लोग माइक्रोटीसा करते हैं, उनमें 60 to 65% पेशेंट्स में मिल जाते हैं स्पर्म्स। और ये जो बैंक डोनर से लेने का है वो एकदम लास्ट रिसॉर्ट है, लेकिन उसके भी कुछ नॉर्म्स हैं। इट इज़ नॉट लाइक कुछ भी नहीं लेते हो आप, और ऐसा नहीं होता कि आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं बैंक से प्रॉपर। वो लोग आजकल ये एक रूल हो गया है कि एक मेल एक ही कपल को दे सकता है। सो उसका आधार कार्ड लगता है, बैंक में सारे उसका सीमेन पैरामीटर्स चेक होते हैं, सारी बीमारियां चेक होती हैं, उसके बाद उस सीमेन को फ्रीज़ करके रखा जाता है। एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, उतने दिन जब फ्रोज़न हो जाता है उसके बाद हम उसे यूज़ करते हैं। और एक कपल में एक ही मेल का हम यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ उसको प्रेगनेंसी नहीं आती है तो हम उससे दोबारा ले सकते हैं, अदरवाइज़ प्रेगनेंसी आ जाती है तो फिर बस देन इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। और वो भी जो हम लोग लेते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन पेशेंट के कैरेक्टर्स देखे जाते हैं, ब्लड ग्रुप ऑफ हस्बैंड, उसका हेयर कलर, स्किन कलर, हाइट एंड कलर ऑफ कॉर्निया, ये सब देख के ही सीमेन लिया जाता है। इट्स नॉट कि एकदम अलग बेबी हो जाएगा। तो अगर हमें टीसा में नहीं मिला, माइक्रो टीसा में भी नहीं मिला, देन हम डोनर के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज़ जो एसेंस है IVF का वो इसी में है कि हमारे अपने जेनेटिक बेबीज़ हों। एंड डोंट वरी, कई लोगों को ऐसा लगता है कि IVF में किसी और का होगा, मिक्सिंग हो जाती है, ऐसा नहीं होता है, ये सब पिक्चरों की बातें हैं। हमेशा ये बहुत बार इंश्योर किया जाता है, पेशेंट का नाम, हस्बैंड का नाम बार बार लिया जाता है, इसीलिए पेशेंट से भी बार बार पूछते हैं। पेशेंट सोचता होगा हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है, इनको सब पता है, फिर भी नाम क्यों पूछ रहे हैं। बट इट इज़ जस्ट सो दैट हम लोग डबली कन्फर्म कर लें कि हम जो जिस पेशेंट के एग्स हैं हम उसी को ले रहे हैं, जिस हस्बैंड का सीमेन है हम उसी को ले रहे हैं। और हर जो भी डिस्पोजेबल होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, उनको सबसे पहले लेबल किया जाता है, उसके बाद ही यूज़ करा जाता है, जिससे कोई मिक्सिंग ना हो। सो टेक केयर। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और आगे भी बताइएगा, तो मैं उसके अकॉर्डिंग एजुकेशनल वीडियोज़ बनाऊँगी। थैंक यू।